topic is arc of aorta. What is aorta? Aorta पहले देख लेते हैं, फिर arc of aorta देखेंगे. Aorta is a great arterial trunk जो कि directly left ventricle से निकलेंगी. ये carry करती है oxygenated blood और supply करती है rest of the body parts में. तो इस aorta के तीन parts होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है इसका असेंडिंग एओर्टा जो डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा. फिर सेकेंड पार्ट जो कि आर्क है कर्व्ड है उसे बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा. और थर्ड पार्ट होता है डिसेंडिंग एओर्टा. हमें इसमें इसके सेकेंड पार्ट आर्क ऑफ एओर्टा के बारे में पढ़ना है. तो आर्क ऑफ एओर्टा की डेफिनेशन पहले देखेंगे. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या हेडिंग्स के अंडर आपको लिखना है अपना आंसर. तो फर्स्ट विल राइट शॉर्ट 2 to 3 लाइन्स ऑन एओर्टा, देन विल स्टार्ट विद डेफिनेशन. डेफिनेशन इज आर्क ऑफ एओर्टा, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द असेंडिंग एओर्टा. मतलब जैसे ही असेंडिंग एओर्टा खत्म हुई वैसे ही आर्क ऑफ एओर्टा चालू होती है. सिचुएशन है इन सुपेरियर मीडियास्टिनम. तो यहाँ पे दो लंग्स के बीच की पार्ट होती है मीडियास्टिनम. तो सुपेरियर मीडियास्टिनम में ये लाए करती है. तो ये स्टार्ट होती है बॉडी है ये मैन्यूब्रियम स्टर्नम की. तो इट बिगिन्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ मैन्यूब्रियम स्टर्नम और एंड होती है, ये आर्क होती है सुपीरियर मीडियास्टिनम में और एंड होती है फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर में. थर्ड पॉइंट इज कोर्स, कोर्स ऑफ आर्क ऑफ एओर्टा. सो ये चालू कहाँ से होती है? इट बिगिन्स एंटेरियरली सामने से, बट बिहाइंड द सेकेंड राइट स्टर्नोकॉन्ड्रल ज्वाइंट. स्टर्नोकॉन्ड्रल ज्वाइंट स्टर्नम और रिब के बीच में रहेगा, वो भी सेकेंड रिब के और राइट साइड के. सेकेंड रिब और यहाँ पे स्टर्नम शो नहीं हुआ है, ट्रकिया के सामने होता है. यहाँ पे स्टर्नोकॉन्ड्रल ज्वाइंट रहेगा राइट साइड वाला. यहाँ से इसके पीछे से ये स्टार्ट होंगी. ये आर्क ऑफ एओर्टा दिख रहा है, कट कर दिया है यहाँ से आर्क ऑफ एओर्टा को. यहाँ से ये चालू होती है, फिर ये अपवर्ड जाएंगी, इट रन्स अपवर्ड, बैकवर्ड जाएंगी और लेफ्ट में जाएंगी. तो लेफ्ट में जाती है तो जो ये बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया दिख रहा है उसके लेफ्ट में जाएंगी. ये जो लेफ्ट ब्रोंकस दिख रहा है उसके पीछे से जाएंगी. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं जो बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया यहाँ पे दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड में जाएंगी. फिर जो ये लेफ्ट ब्रोंकस दिख रही है उसके पीछे से जाएंगी. पीछे जाके ये डाउनवर्ड जाती है और नीचे जाते वक्त ये जो T4 दिख रहा है यहाँ पे वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री T4, उसकी लेफ्ट बॉर्डर से जाती है, मतलब लेफ्ट बॉर्डर के बाजू से जाती है. फिर जब ये लेफ्ट बॉर्डर से जाती है तो ऑलरेडी इसने एक आर्क फॉर्म कर ली है, अपवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड डाउनवर्ड. इसका कोर्स है ये ऊपर पीछे लेफ्ट में एंड देन नीचे आती है. तो ये रूट ऑफ लेफ्ट लंग, हमारे लंग में रूट फॉर्म होती है, उस लेफ्ट लंग के रूट को ये आर्क करती हुई नीचे जाती है. तो इसे आप फोर लेफ्ट निमोनिक से याद रख सकते हैं. फोर लेफ्ट मतलब ट्रैकिया के बाइफर्केशन के लेफ्ट साइड से जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस के पीछे से होते हुए जाती है, थोरैसिक वर्टिब्री फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री की लेफ्ट बॉर्डर के बाजू से जाती है और रूट ऑफ लेफ्ट लंग को आर्क करती हुई जाती है. ये एक छोटा सा निमोनिक था. फिर ये एंड कहाँ होती है? तो एंड देखेंगे हम इसका. तो ये एंड होती है फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लोअर बॉर्डर में, जो हमने सुपीरियर मीडियास्टिनम में देखा था, और कंटिन्यू होती है एज डिसेंडिंग एओर्टा. सो वेरी सिंपल, ये पॉइंट लिखना है इम्पॉर्टेंट है. बिगिन और एंडिंग, मतलब बिगिनिंग और एंडिंग इसकी सेम होती है, एट सेम लेवल. लेवल सेम है बिगिनिंग और एंडिंग का, बट बिगिनिंग होती है एंटेरियरली और एंडिंग होती है पोस्टेरियरली. मतलब सामने से ये चालू होती है और पीछे से ये खत्म हो जाती है. फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम इसके ब्रांचेस. इसके ब्रांचेस है, तीन मेन ब्रांचेस होती है इसकी. पहली लेफ्ट साइड में होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, मिडिल में मतलब ये लेफ्ट साइड में ही होती है थोड़ी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और राइट साइड में होती है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी. बट ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी जो कि बड़ी ब्रांच है आगे चल के डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेज में, वो होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी. फिफ्थ पॉइंट इज रिलेशंस.
रिलेशन मतलब आर्क ऑफ एओर्टा के आगे पीछे ऊपर नीचे कौन है। तो रिलेशंस को मेनली फोर हेडिंग में डिवाइड करना है। आर्क ऑफ एओर्टा के सामने मतलब एंटीरियरली कौन है, पीछे पोस्टीरियरली कौन है, ऊपर सुपीरियरली कौन है और नीचे इन्फीरियरली कौन है। तो आर्क ऑफ एओर्टा के एंटीरियर रीजन में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे हमें फोर नर्व्स दिखेंगी। सबसे पहले होती है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, फिर होती है लेफ्ट वेगस नर्व, फिर आती है दो कार्डियक नर्व्स। तो ये जो ऊपर वाली होती है वो है सुपरफिशियल सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, और जो कि नीचे जो कि इस वेगस के पास में है वो होती है लोअर सर्वाइकल कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वेगस। फिर एक वेन होती है लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। इस लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन के सुपीरियरली होती है लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, और इसी वेन के डीप में होती है लेफ्ट वेगस नर्व। तो सिंपल है, इसके आगे और इसके पीछे दो नर्व्स होती है और एक वेन है। यहाँ पे और दो पार्ट हमें दिखते हैं, लेफ्ट लंग विद इट्स प्लूरल मेम्ब्रेन और रिमेन्स ऑफ थाइमस। हम देखते हैं इसके पोस्टीरियर रिलेशंस, मतलब इसके पीछे क्या क्या होता है। तो आर्क ऑफ एओर्टा के पीछे होता है मेन तो ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर डीप कार्डियक प्लेक्सस रहेगा, ये कार्डियक प्लेक्सस रहेगा एक। फिर होता है ईसोफेगस, फिर एक होती है ये छोटा जो स्टार शेप दिख रहा है वो होता है थोरैसिक डक्ट। ये एक नर्व होती है, उसका नाम होता है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और सबसे एंड पीछे होता है फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्री का बॉडी, वर्टिबल कॉलम होता है। तो वर्टिबल कॉलम, ईसोफेगस, ट्रकिया, डीप कार्डियक प्लेक्सस एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ये पांच चीज़ें इसके पोस्टीरियरली लाई करती है। अब हम देखते हैं आर्क ऑफ एओर्टा के सुपीरियर रिलेशंस, मतलब उसके ऊपर कौन सी चीज़ें होती है। तो सिंपल, सुपीरियरली उसकी तीनों ब्रांचेज होती है, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड ब्रेकियोसेफेलिक। एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस को ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो कि ब्रांच होती है सुपीरियर वेना केवा की। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं इसके इन्फीरियरली क्या क्या चीज़ें लाई करती है, आर्क ऑफ एओर्टा के नीचे क्या क्या होता है। तो आर्क ऑफ एओर्टा की चीज़ें चार चीज़ें होती है। एक तो बाइफरकेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, ये बाइफरकेटेड पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है इसके नीचे। फिर इस पल्मोनरी ट्रंक और आर्क ऑफ एओर्टा को ज्वाइंट करने वाला होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम, वो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। लिगामेंटम आर्टेरियोसम के साथ यहाँ पे होता है सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस। फिर होता है यहाँ पे इस आर्क ऑफ एओर्टा के नीचे रहेगा लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व और लेफ्ट ब्रोंकस, ट्रकिया के नीचे आएगा लेफ्ट ब्रोंकस, यहाँ पे शो नहीं कर सकते हम। फिर ये थे इसके रिलेशंस आगे। सो द लास्ट पॉइंट इज क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी मतलब ये जो आर्क ऑफ एओर्टा है इसमें क्या कुछ एबनॉर्मेलिटीज एनोमेलीज आई है क्या। तो मेनली ये डेवलपमेंटल एनोमेलीज होती है, जो कि आप एम्ब्रियोलॉजी में देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा इसके ऊपर। लेकिन अभी लॉन्ग आंसर में अगर ये आता है तो आप दो पॉइंट लिख सकते हैं, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा जिसमें नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ एओर्टा हो जाएगा, और एओटिक अन्यूरिज्म इज अपोजिट ऑफ कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा जिसमें डायलेटेशन, अनड्यू डायलेटेशन, जैसे वाइडर हो गया है ल्यूमेन, देखिए यहाँ पे। थैंक यू।